तो रविवार को रांची के मोर हवादी मैदान में हेमंत सोरेन राज्य के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी, तो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पास जारी किए गए हैं। पार्किंग की भी खास व्यवस्था की गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन रही है। 29 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह मोरहाबादी मैदान में आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। पब्लिक के लिए पास है ग्रीन कलर का, जो कि बाहर बैठ पीछे साइड में बैठेंगे। उसके अलावा हम लोग व्हाइट कलर पास इशू किए हैं, जो कि वीआईपीज स्टेज पर रहेंगे। साथ ही एक ब्लू कलर पास है, जो वीआईपीज रहेंगे, जो स्टेज के जस्ट सामने रहेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर जिला प्रशासन ने 4 तरह के पास जारी करने की बात कही है। इन पास के आधार पर ही शपथ ग्रहण समारोह में कार्यक्रम स्थल तक आया जाया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 15,000 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है, जिसमें वीवीआईपी सहित गठबंधन सरकार के कई नेता कार्यकर्ता तो शामिल हैं ही, और खबर ये भी है कि प्रणव मुखर्जी भी इस शपथ ग्रहण का हिस्सा होंगे। गेट्स, हर एक जितने भी गेट यहाँ बनेंगे, वो सभी गेट्स पे डीएफएमडी और सुरक्षा बल की प्रतिनियुक्ति होगी। इसके अलावा करीब यातायात को देखते हुए करीब 22 जगह पे अभी डिसीजन हुआ है कि हम लोग बैरिकेडिंग करवाएंगे, जिससे कि यातायात सुचारू रूप से चलता रहे और सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे। शपथ ग्रहण समारोह को ध्यान में रखते हुए रांची का मोरहाबादी मैदान तैयारी में है। सुरक्षा सहित कई बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि देश भर से कई बड़े चेहरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहेंगे। कैमरामैन राजा के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान की रिपोर्ट।